और रही बात दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार जो ड्राइवरों के बेस में दिल्ली में आई थी वही अब ड्राइवरों के साथ भेदभाव कर रही है। और क्या कहती है कि भाई ओला उबर कंपनी हमारे अंडर नहीं है। अरे आप एक स्टेट को चला रहे हो, स्टेट के अंदर हर एक नागरिक की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए इस बात तय है मोदी जी जरूर कुर्सी उसका जाएगा, कौन आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन मोदी जाएगा। लेकिन है मणिपुर में जो आग के घी डाल रहे हैं, मैंने बोला सिस्टम टोटली फेल है, आर्मी जाना नहीं चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करे, उसके कोई हिडन खजेस होगा है तो इसको पहले उजागर करना। इसलिए हम बोला है अभी सबको मणिपुर चलना है, चाहे पार्लियामेंटेरियन चाहे पॉलिटिशियन चाहे सोशल, सबको चलना है। चुनाव लड़ेंगे 70 की 70 सीटें। हमारे साथी पीछे खड़े हुए हैं, हमारे वॉलंटियर साथियों से निवेदन है, हम पूरे भारत में मांग कर रहे हैं, बैठाने के लिए रिक्वेस्ट करें, निवेदन करो। हरमिंदर जी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। अधिवेशन हुआ था जिसमें हमारी संगम जी को हम मंच पे आमंत्रित करते हैं, धर्मेंद्र जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं। इस साल के एंड तक पीछे की तरफ खड़े हैं, अगर आपका आपका कवरेज अगर मीडिया में हो गया है तो आप इधर आ सकते हैं। अच्छा उन्होंने सभी को आजाद गुलाम बना दिया, आजाद गुलाम करते हैं। आपको दिखाते हैं कुछ और, बताते कुछ और है, आपसे करवाते कुछ और है, आपको कहते हैं आप आजाद हो, हमारे पार्टनर हो, जब मर्जी काम पे आओ, जब मर्जी काम पे जाओ, लेकिन आपसे एक मिनट की भी गलती हो जाए या आपकी गाड़ी में कोई सवारी अल्कोहल लेके बैठ जाए और वो जान बूझ के ये डाल दे कि भी हम अल्कोहलिक नहीं है, ड्राइवर अल्कोहलिक है, आपको एक सेकंड में बैन कर देंगे, अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे, तो आप काहे के पार्टनर है? आप जब पार्टनर है तो पार्टनर से हर चीज पूछेंगे, हाँ भाई ये सही है या गलत है। और रही बात आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया समाज को ड्राइवर को आपस में मिलाने का, लेकिन उसकी फीस के नाम पे आप 40-40% तक कमीशन ले रहे हैं, वो कहीं भी जायज नहीं है। और रही बात दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार जो ड्राइवरों के बेस में दिल्ली में आई थी वही अब ड्राइवरों के साथ भेदभाव कर रही है। और क्या कहती है कि भाई ओला उबर कंपनी हमारे अंडर नहीं है। अरे आप एक स्टेट को चला रहे हो, स्टेट के अंदर हर एक नागरिक की जिम्मेदारी आपकी है, चाहे वो काम वाला हो चाहे वो आम जनता हो, सबकी जिम्मेदारी एक स्टेट की होती है, एक स्टेट के सीएम पे होती है। वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो चाहे तो आज अंकुश लगा सकते हैं। अपनी जो उनकी पूछो ऐप है, जो सरकारी ऐप है जिसमें ना जीएसटी है और ना ही कोई कमीशन है, उसको वो प्रमोशन कर ही नहीं रहे, जबकि 7 साल से लाइन है। आप अभी फोन में देखेंगे आपको मिल जाएगी, किसके साथ लड़ाई है, उसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? ड्राइवरों के दम पे दिल्ली में आई थी, खुद उन्होंने कि दिल्ली के ड्राइवर चाहे तो किसी की कुर्सी बिठा दे, कुछ उठा दे, वो उन्हीं के साथ घूमकर ऑटो में टैक्सी में प्रचार कर रहा है दिल्ली के सीएम बने। और सबसे पहले जो लात या धोखा दिया उन्होंने ड्राइवर को ही दिया है। चलती हुई लड़ाई दिल्ली के अंदर 6 लाख रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल है, 6 लाख ड्राइवर आप मान के चले, लेकिन जब कोरोना आया था तब उन्होंने क्या बोला, सभी अपने आप को सत्यापित करें कि मैं ड्राइवर हूँ, तब उन्होंने 5,000 की उनको भीख दी, तब 5,000 भीख देखी। आप उनकी लिस्ट निकलवा लो, उन्होंने कितने ड्राइवरों को 5,000 दिए, जब 6 लाख का जो कमर्शियल रजिस्टर है तो कम से 6 लाख ड्राइवर को देना चाहिए, वो आपको 1 लाख भी ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी ड्राइवर आग उतार सकता है, और मैंने अभी आपको बताया था कि हम 2025 में डायरेक्ट आमना सामना करेंगे और 70 सीटों को लेकर उनको कुर्सी से। क्या नाम है आपके पार्टी का? जनसेवा ड्राइवर पार्टी, जनता की सेवा ड्राइवर और सत्ता में। दिल्ली में अभी क्या रेट चल रहा है टैक्सी का पर किलोमीटर का, और क्या रेट दे रही है? दिल्ली में जो सरकारी रेट है नॉन एसी 17 रुपए किलोमीटर है और एसी 20 रुपए, जबकि ओला उबर 7 रुपए पर किलोमीटर ड्राइवर जो की लागत में नहीं आ रहा। अब अभी आपका सवाल होगा कि ड्राइवर चला क्यों रहे, किसी ने अपने दोस्त से कर्जा लिया, किसी ने अपने गहने गिरवी रखे, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी लालच में कि हमें यहाँ से इतना सा पैसा मिलेगा हम तुरंत कमा के उतार देंगे, लेकिन कंपनी ने सबके ज्वाइन करते ही सारी पॉलिसी चेंज कर दी, कमीशन जो पहले 10% था वो 40% कर दिया, अब वो लोग मजबूरी में चोरी करने वाला था अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी जो गाड़ियों ने कर्जे में ली थी उसको बचाने के लिए उसी रेट में चला रहे कि किसी तरह हम गाड़ी की किस्तें भर दें, किसी तरह हम अपने बच्चों का पेट भर लें। जैसे जैसे उतरती जा रही है वो स्टेट को छोड़ जाता है, ओला उबर 40% कमीशन ले रहा है, 40% अभी आप चेक कर लीजिए, किसी भी ड्राइवर से पूछिए, कहीं कहीं
सबके डिवाइस ऑन है, किसी को पता कर लीजिए। देखिए सरकार जो है वो डरती है और हम विपक्ष में है और उनको हर एक सवाल का जवाब तो इसलिए इस बात तय है, मोदी जी जरूर कुर्सी उस पर जाएगा, कौन आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन मोदी जाएगा। लेकिन सर अगर कुर्सी जाएगी तो कोई ना कोई तो बनेगा प्रधानमंत्री, कुर्सी लेगा, विपक्ष में भी तो कोई नहीं है, आप इस बात को देखिए। मैं इसलिए बोलता हूँ, चाहे हमारा यंग स्टार हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी, चाहे पिछले वर्ग हो, जितना लोग है, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको सामने आना चाहिए और आके अपना हिस्सेदारी लेना चाहिए। हमने बोला अपना हिस्सेदारी लेना, किसी भाजपा पे ऊपर, किसी कांग्रेस पे ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि एनडीए भी थोड़ा ऐसा है और इंडिया भी ऐसा है। ये अगर 15-20 साल चला है वो तो 50 साल चला है। सर विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा था कि अभी तक वो देश विदेश घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड बोला, आपकी क्या राय है? देखिए अभी अभी मैंने बोला हूँ, पार्लियामेंट को भी मैंने बोला हूँ, हमारा नोटिस बोले, सरकार को भी आपके साथ बोलना है, अभी हम सबको मणिपुर जाना है, मणिपुर संभालना है, क्योंकि मणिपुर में सिर्फ हमारा इंडिया का देश में नहीं, सारा विदेश में भी हम लज्जित है, सारा लोग हंस रहे हैं, सारा इंडिया का इतना काबिल प्राइम मिनिस्टर है, इतना काबिल सिस्टम है, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ नहीं है। और हीरा भाई को इसलिए अहमियत है क्योंकि मेरा सत्र में भी ऐसा हुआ था, 20-30 साल जब दंगा हंगामा, यहाँ तो 200 से लोग मरेगा, हमारे 50,000 ज्यादा मरेगा, सारा नेता लोग दिल्ली से जाते हैं, दिल्ली में सोरा रोटे है, धमा करते है, वापस एक ही रोटे है। जिस दिन हीरा भाई दिल्ली में आ गया तो उस दिन को मैं इसलिए उत्तर पूर्व को बोला है, आपका जमीन के लिए, आपको हक के लिए, आपके वापस में लड़ना नहीं है, आप दिल्ली आइए हमारे साथ, आपका जितना सही उससे ज्यादा हम करके। डबल इंजन की सरकार वहाँ पर फेल है, डबल ट्रिपल इंजन कुछ काम होने वाला नहीं। अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रिजर्वेशन देना ही चाहिए, अगर वो नहीं संभाले उसको कुर्सी सोना है, अगर कोई नहीं कर पाएंगे तो हम जैसा लोगों को जिम्मेदारी देंगे, हम 48 और में हम मणिपुर संभालेंगे, मणिपुर भाइयों को भी, चाहे मैथिली, चाहे क्योंकि नगा जो भी हो, आप आपस में लड़ाई बढ़ते हो, वहाँ अगर मरा मर के लड़ाई करेंगे तो दुनिया तो आपको हंसेंगे हंसेंगे, आप कुछ हासिल नहीं कर रहे, इससे ज़्यादा है आप हीरा भाई के साथ आइए, दिल्ली में आइए, अपना रिप्रेजेंटेशन लेके आइए, जरूर हम आपको जो चाहिए के वो ही दिलाएंगे। सर जिस तरह से मणिपुर 3 महीने से जल रहा था, उसके जलने के घाव भरे नहीं थे एक दूसरा, और ये देश को संसद के नजर देखिए मणिपुर में जो आग के घी डाल रहे हैं, मैंने बोला सिस्टम टोटली फेल है, आर्मी जाना नहीं चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, उसके कोई हिडन कजेस होगा है तो इसको पहले उजागर करना, इसलिए हम बोला है अभी सबको मणिपुर चलना है, चाहे पार्लियामेंटेरियन, चाहे पॉलिटिशियन, चाहे सोशल, सबको चलना है। 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गया, ये सारा हमारा नेता लोग क्या होते हैं, जब किसी को मर जाता, किसी घर जाता है जाके चिल्लाते हैं, रोते हैं, ड्रामा करते हैं, अगेन एंड अगेन यही होता है। जब हमारा लोगों ने दिल्ली में हमको सुन के भेज दिया, उसी से सारा गोली बारी खत्म हो गया, चला गया, इसलिए हम बोलते अगर आप नहीं सकते हैं तो हमको जिम्मेदारी, हम आप जैसे सब लोगों को लेकर जाके हम जरूर मणिपुर चलेंगे। और दूसरा बात है, मणिपुर भाइयों बहनों को, चाहे कुकी हो, चाहे नगा हो, चाहे मैथे हो, उसको भी मेरा आग्रह है, आप वापस में मत ले रहिए, आपका जो आइडेंटिकल क्वेश्चन है, आपका जो जमीन का है, आपका जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का बात है, आप आइए दिल्ली में, आप आइए, आपको रिप्रेजेंट भेजिए, अगर नहीं सकते तो हमको बोलिए, हम दिल्ली में मिल के जरूर आपको हिस्सेदारी देंगे, बेहतर जिंदगी हम देंगे आपको, आप आपस में मत लड़िए, आप भी नजरद हो रहे हैं और दुनिया, सारा दुनिया हमको हंस रहे हैं, ऐसा मत करो, एक नौजवान स्थान होने के नाते हमारा यही आग्रह है, आप ऐसा काम मत करो जो दुनिया आपके ऊपर हंसे। देखिए मिजोरम से उसको पता, क्योंकि ये पहले हमको पता था ये बहाल बोलने वाला है, क्योंकि मिजो भी कुकी और एनएसटी भी आता है, तो इसलिए ये जो मोदी है वो आने के लिए बहुत ड्रामा नाटक किया, आप देखिए कितना उसको सजाया गया, वो मार्केटिंग किया गया, मार्केटिंग करने वाला कौन लोग है, चाहे उसमें पीछे आमदनी हो, आमदनी हो, जो भी हो, ऐसे जो भी हो, उन लोग का काम है। तो अभी हम किसी को ऐसा लोगों से हमको दूर रहना है, ऐसा लोगों से सुख मिला है, तो आइए अभी 24 ज़्यादा दूर नहीं है, अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं सारा देशवासी को अपील है, ऐसा लोगों को तो दूर शासन में नहीं रहना है, जो हमारा माँ बहन का इज्जत भी बचा नहीं सकते हैं, जो ये नाकामी है, नाकामी है, हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने सुना है उन लोग का पोस्ट का, उन लोग अभी ऐसा, मैंने इसलिए बोला है अगर आप नहीं कर सकते हम जैसा लोगों को दीजिए, हम सारा सिविल सोसाइटी सबके साथ लेकर जाके मणिपुर में जाएंगे।